ये प्रशासन के लाने जिनका हाथ है ना तो बहुत बड़ा आदमी है। दबाव है प्रशासन पे, कुल मिला के दबाव है प्रशासन पे, इस वजह से तुम्हारा कोई नहीं। महाराज ने कह दिया कि मैं टीआई हटवा दे तो, और मकान इनकी भी नहीं, और मकान टूट जाए मैं जाकर पूरे ध्वस्त करिए। अभी उनका कहना था कि अभी जो अंदर कह रहे थे उन्होंने नोटिस दिए, नोटिस आया तो तोड़वा दिया। ठीक है, नोटिस आया तो साहब ने बोला है जे भी कह रहे नहीं पूरे टूट रहे, मकान नहीं टूट रहे, मकान की लड़ाई लड़ता था नहीं टूट रहा, मकान हमें संगे भी लगता था वो सही कह रही है, जाम जाते हमें संगे खड़ा होता था। हमें जी थोड़ी के पटेल साहब को मोड़ा तो मकान टूटे जाए हमें भी हिम्मत बनाता था कि चाची हमें तुम्हारे साथ कुल मिला के प्रशासन पर दबाव रहा है। आप बोल समय बात नहीं मारी, मतलब हाँ बस आपको अपन को कुछ नहीं करना है, शांति से बिल्कुल शांति से बैठ करो, चलो तो देख जाओ, चलो भैया चलो गाड़ी ले, चलो कल चलो पूरे शांति से। पाँच चार गोली मार के घर पे मार दिया। अच्छा लड़का था 25-26 साल का, और एक लड़का में गोली लगी हुई है। यहाँ 2-4-10 गुंडे ऐसे हैं सर कि जो हर 2 नंबर की बंदूक लेके पूरे शहर में दहशत फैला है, किसी को भी मार देते हैं मतलब। और कल से आज तक टीआई थाने में नहीं आया, जैसे ही पता चलो कि ये खत्म होगा और भाग गया तो कहाँ अकेले एसडीओपी रात के कुर्सी पे बैठे जाके, अलावा तुम्हारा कोई भी नहीं था सर। ऐसे कब तक ऐसे कहा होगा भाई, इतना इसी वजह से हम नाराज हो रहे थे। हाँ, और ऐसे जो गुंडे हैं जो रोज, और इन पे कम से कम सर अगर जिन पे 10-10 केस हैं, 12-12 केस हैं इनके, तो कम से कम मकान वकान तुलवा तो दूसरे गुंडन में दहशत तो फैलेगी। ये डबरा में रेवे लाख नहीं रहे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।